देखिए, कक्षा 8वीं का गणित का सवाल दिया, प्रश्नावली है 14.1 और प्रश्न संख्या आपका एक। एक में यहाँ पे आपको बोल रहा, दिए गए पदों में सार्वउभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे ए में दिया है 9y और है 27, ठीक है। तो क्या करना है, सार्वगुणनखंड इसका ज्ञात करना है। तो 9y है तो 9y लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे 9 है तो 9 का सबसे पहले हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे, तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लेंगे। 9 को 3 3 9, 3 एकम 3, इसका गुणनखंड कितना आया, 3 3 1, यानी कि 3 गुने 3 गुने 1, ठीक है। अब यहाँ पे वाई है तो इसको भी इसमें लिख लेंगे, गुने वाई, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे है 27, तो यहाँ पे 27 लिखेंगे। अब 27 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो ये हो गया 3 9 27, 3 3 आके 9, फिर हो गया आपको 3 एकम 3, तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका सार्व गुणनखंड बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सार्व गुणन खंड, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पे क्या करना है, आपको देखना है कि दोनों गुणनखंडों में कौन सी संख्या समान है, यानी कि कौन सी संख्या कॉमन है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 है और यहाँ पर 3 है, तो 3 इसमें है और इसमें है, तो हम क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक है। यानी कि जो संख्या मिलेगा, जो संख्या कॉमन रहेगा, उसको हम लिख लेंगे। फिर यहाँ पे देख रहे हैं 3 है और इसमें भी 3 है, तो इसको भी हम लिख लेंगे, गुणा का चिन्ह देकर 3। फिर यहाँ पे देख रहे हैं 1 है और यहाँ पर है 1, तो यहाँ पे हम गुणा का चिन्ह देकर 1 लिखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे 3 है, अब इसमें 3 नहीं है, नहीं ना है, तो क्या करेंगे, ये 3 को नहीं लिखेंगे। यहाँ पर वाई है, इसमें वाई नहीं है, तो क्या करेंगे, वाई को नहीं लिखेंगे। यानी कि जो कॉमन नहीं रहेगा उसको नहीं लिखेंगे, जो कॉमन रहेगा उसी को लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 को 3 में गुना करेंगे, 3 3 आके हो जाएगा 9, फिर 9 को 1 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9। ये हो गया आपका आंसर। बी में आपको दिया है यहाँ पे 5x, फिर है 25x, तो 5x का यहाँ पे 5x हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 का हम गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 गुने 5, ये x है तो इसको भी लिख लेंगे, गुने x, ठीक है। फिर है 25x, तो यहाँ पे 25x, तो 25 का गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुने 5, ठीक है। अब ये x है तो इसको गुने x लिख लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे सार्व गुणन खंड। तो यहाँ पे देखिए, कॉमन क्या क्या है उसको हम देख लेंगे पहले। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 है और इसमें 5 है, तो 5 को लिख लेंगे। फिर यहाँ पे 5 है और इसमें आप 5 नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। एक्स है और एक्स है, तो इसको हम लिख लेंगे एक्स, 5x, या 5 गुना x लिखिएगा, तो 5 को एक्स में गुना कीजिएगा तो 5x आएगा। ये हो गया आपका आंसर। सी में आपको दिया है यहाँ पे 7ab-14ab, तो 7ab, ठीक है। तो 7 का गुणनखंड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 7 गुने 1। ए बी, ये देखिए गुना में है, तो इसको हम गुना का चिन्ह देकर गुने ए बी लिख लेंगे, ठीक है ना। फिर है माइनस का 14ab, ठीक है। तो माइनस का 14 है, इसको गुणनखंड हम करेंगे इसका, तो माइनस का 14 आना चाहिए, तो क्या करेंगे, माइनस का 1 लिखेंगे, ठीक है। इसको हम गुना करेंगे 2 में, तो माइनस 1 को 2 में गुना करेंगे प्लस का 2 में, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। फिर इसको गुना करेंगे -2 को 7 में, तो ये हो जाएगा -14, ठीक है ना। ए बी, ये गुणनखंड गुना में है, तो इसको हम गुना के चिन्ह देकर लिखेंगे गुने ए गुने बी। अब देखिए, यहाँ पे लिखेंगे सार्व गुणन खंड बराबर, तो इसमें जो जो कॉमन है उसको लिख लेंगे, 7 है और 7 है, दोनों में 7 है तो 7 लिख लेंगे, 1 है और
ये माइनस कह के थे इसको नहीं लिखेंगे, ये प्लस कह ये माइनस कहते इसको छोड़ देंगे। ए है और ए है तो ए को हम लिख लेंगे गुना का चिन्ह देकर। फिर यहाँ पे बी है और बी है तो बी को गुना का चिन्ह देकर लिख लेंगे। अब गुना करेंगे 7 को ए में तो 7 ए हो जाएगा, फिर बी में गुना करेंगे तो 7 AB हो जाएगा, 7 AB। ये हो गया आपका आंसर। देखिए डी में आपको दिया है यहाँ पे -16x2y2, तो -16x2y2 ठीक है। तो -16 को पहले हम इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे, तो -1 × 2, -1 को 2 में गुना करेंगे +2 में तो -2 आएगा, तो -2 को फिर 2 में गुना करेंगे तो 4 आएगा माइनस का, फिर 4 को माइनस -4 को 2 में गुना करेंगे तो -8 आएगा, फिर 2 में गुना करेंगे तो -16 आ जाएगा। ये देखिए x² है, ये भी माइनस में है ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे -x × -x, क्योंकि इसका पावर 2 दिया है तो 2 बार गुना करेंगे। अब देखिए y² है तो यहाँ पे लिखेंगे गुने y, फिर आपको दिया है -x² y² z² तो -x² को 2 बार गुना करेंगे तो -x × -x y² है तो (y) × (y) z² का (z) × (z) इसका हो जाएगा सार्वगुणनखंड। तो देखिए जो जो कॉमन है इसको हम लिख देंगे, -1 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, -x - x यहाँ पे है तो -x लिख लेंगे, फिर -x - x है तो यहाँ पे गुना का चिन्ह देखो -x लिख लेंगे, y है तो यहाँ पे गुना का चिन्ह देके y लिखेंगे, फिर y है तो गुना का चिन्ह देकर y लिख लेंगे। ये देखिए z इसमें है, इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे, -x को x में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -x² y को y में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा y²। ये हो गया आपका आंसर। e में आपको दिया है 17x 102y, तो 17x = 17 का गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 17 × 1, फिर गुने हो जाएगा आपको x ठीक है, फिर 102 y, 102 का गुणनखंड कर लेंगे कहीं, यहाँ पर कर ले रहे हैं, 2 से कट जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, 51 है, 17 से कट जाएगा, 17 × 3 = 51, 3 है तो 3 से इसको कटा देंगे, 3 × 3 = 3, 2 × 17 = 3 = 1, 2 × 17 × 3 × 1, y है तो (y), इसका हो जाएगा आपको सार्वगुणनखंड बराबर। तो 17 इसमें इसमें तो 17 को लिख लेंगे, 2 इसमें इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे, 1 इसमें इसमें तो लिख लेंगे (1), 1 से इसमें इसमें नहीं है, इसमें y है इसमें y नहीं है तो क्या करेंगे, 17 को 1 में गुना करेंगे तो आएगा 17। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए यहाँ पे f में दिया है आपको 11xyz, 11xyz बराबर, तो 11 का हम गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 × 1, xyz गुना में है तो (x) × (y) × (z), फिर आपको 100z बराबर, तो 100 का हम गुणनखंड कर लेंगे, यहाँ पे 2 से कट जाएगा, फिर 2 से फिर आपको 5 से कट जाएगा, फिर 5 से 2 × 2 = 5 = 5 = 1, 2 × 2 = 5 × 5 = 1,
अब देखिए यहाँ पर लास्ट में जेड है तो गुने जेड लिख लेंगे, तो इसका सर्व गुणनखंड आपको हो जाएगा 11। इसमें है 11 नहीं है, इसमें छोड़ देंगे, एक है और एक है, एक को लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे वाई है, इसमें वाई नहीं है तो नहीं लिखेंगे। इसमें दो है, इसमें दो है नहीं, इसमें दो है इसमें दो नहीं है तो नहीं लिखेंगे। पांच है इसमें तो इसमें पांच नहीं है, नहीं लिखेंगे। जेड है और जेड है तो जेड को लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे गुना करेंगे, एक को जेड में गुना करेंगे तो जेड ही आएगा। ये हो गया आपका आंसर। जी मैं आपको दिया है ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर बी सी, ठीक है। तो ए स्क्वायर का हो जाएगा ए गुने ए, ठीक है, क्योंकि इसका पावर दो है तो ए गुने ए लिखेंगे। फिर बी सी है तो गुने बी गुने सी, ये गुना में। फिर है आपको ए बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर सी बराबर, तो ए का हो जाएगा ए गुने बी स्क्वायर है तो बी को दो बार लिखेंगे, बी गुने बी। फिर आपको सी तो गुने सी लिख लेंगे, ए बी सी स्क्वायर यहाँ पे है, ए बी सी स्क्वायर, तो ए गुने बी। फिर आपको हो जाएगा गुने सी स्क्वायर है तो सी गुने सी, ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो इसका हो जाएगा सर्व गुणनखंड बराबर ए ए ए, तीनों में मिल रहा आ रहा तीनों में है तो यहाँ पे ए लिख लेंगे, बी बी और बी तीनों में है तो बी लिख लेंगे, सी और सी सी तीनों में है तो यहाँ पे गुने सी लिख लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ए को बी में गुना करेंगे तो ए बी, फिर बी ए बी को सी में गुना करेंगे तो ए बी सी आ जाएगा, ए बी सी। ये हो गया आपका आंसर। एच में आपको दिया है 2x, 2x, तो दो का गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुने 1, ठीक है, एक्स है तो गुने एक्स लिख लेंगे। 3y का करेंगे तो 3 का गुणनखंड करेंगे, 3 गुने 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर गुने वाई है तो वाई को लिख लेंगे। फिर 5z दिया है यहाँ पे, 5z, 5 का करेंगे गुणनखंड तो 5 गुने 1 गुने जेड है तो जेड लिख लेंगे, तो इसका सर्व गुणनखंड हो जाएगा। इसमें देखेंगे कॉमन कौन है, तीनों में मिलना चाहिए एक ही अंक, 2 3 5 है, नहीं मिल रहा दो, इसमें दो है ही नहीं, एक 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 मिल रहा तो एक लिखेंगे, एक्स वाई जेड इसमें नहीं मिल रहा तो नहीं लिखेंगे। ये हो गया एक आंसर। आई में आपको दिया है 20x² y² 20 का हम करेंगे गुणनखंड, यहाँ पे हम करते रहे, 2 दाम 20, 2 5 10, 5 एकम 5, 2 2 5 1, 2 गुने 2 गुने 5 गुने एक, ठीक है। फिर आपको x² तो गुने एक्स का पावर 2 दिया है तो एक्स को 2 बार गुना कर लेंगे, वाई स्क्वायर है तो इसको 2 बार गुना करेंगे वाई को, वाई गुने वाई। फिर आपको दिया है 30y² z² 30 का करेंगे गुणनखंड, यहाँ पे कर ले रहे हैं तो ये हो गया। फिर ये हो गया 5 से 5 दिया के, फिर ये हो गया 3 एकम, 2 5 10 10 30, 2 5 3 1, 2 गुने 5 गुने 3 गुने 1, ठीक है। वाई स्क्वायर है तो गुने वाई गुने वाई, जेड स्क्वायर का गुने जेड गुने जेड। अब देखिए 40z² x² तो 40 का करेंगे गुणनखंड, अब आज गुणनखंड विधि से बना लेंगे। ये हो गया 20, 20 बार में कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा 10 बार में, 2 5 10, 5 एकम 5, 2 2 3, 2 2 2 5 1, 2 गुने 2 गुने, फिर 2 गुने 5 गुने, फिर आपको है
एकम एक है, तो 5 × 1 फिर आपको हो जाएगा गुने वाई, सॉरी जेड स्क्वायर है तो जेड गुने जेड, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स गुने एक्स। अब देखिए यहाँ पे इसका लिखेंगे सार्व गुणनखंड, इसका सार्व गुणनखंड हो जाएगा, दो इसमें 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 तीनों में है तो दो लिखने में, दो इसमें है इसमें है, अब इसमें दो नहीं है तो नहीं लिखेंगे, तीनों में मिलना चाहिए। 5 इसमें इसमें है इसमें तीनों में मिल रहा है तो 5 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं एक एक और एक मिल रहा है तो गुने एक लिखेंगे, अब नहीं मिल रहा है कुछ तो क्या करेंगे, अब देखेंगे इसको एक से इसमें एक से और इसमें एक से नहीं है, तीनों में नहीं है, दो में है एक में नहीं है तो नहीं लिखेंगे, वाई वाई और इसमें वाई नहीं है तो नहीं लिखेंगे, जेड जेड इसमें जेड नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया आपको 2 5 10, 10 से कम 10, ये हो गया 10 आंसर।